आदि महादेव सोसंधारी भगवान की जय। हाँ साहब, बढ़िया है, सुंदर प्रसंग। पंच परमेश्वर के आदेश के पालन करते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर भस्मा को भस्म किया। ये प्रसंग मिला है भगवान विष्णु मोहिनी रूप भस्मा को भस्म करना। तो देखिए, कहना है कि बात उस समय की है, भस्मासुर को भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था कि जिसको जिसके ऊपर ये हाथ आप रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो देखिए, भस्मासुर भगवान भोलेनाथ पर ये प्रयोग करने लगते हैं, स्वयं भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए प्रयास करते हैं। इधर भगवान भोलेनाथ अपनी जान बचाकर भागते हैं और विष्णु जी से सहायता मांगते हैं। भगवान विष्णु सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, भस्मासुर को आकर्षित किया और नृत्य के लिए प्रेरित किया। यही कथा का सार है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर भस्मा को भस्म किया। तो देखिए, ये गीत के माध्यम से आप समझेंगे। तो कहना है, कि करे तपस्या भस्मासुर ने, प्रश्न हुए भोलेनाथ, खुश होकर के दे दिया शिव जी ने वरदान। तो देखिए, भगवान विष्णु
भगवान भोलेनाथ की जान बचाने के लिए, भगवान भोलेनाथ की सहायता करने के लिए मोहिनी का रूप रखते हैं। और किस प्रकार से भस्मासुर के सम्मुख जाकर किस प्रकार से लीला करते हैं कहना है। किस प्रकार से भगवान विष्णु ने मोहिनी स्त्री का रूप बनाया, क्या होता है। क्या होता है। ओ लंबा डाल के घुंघटा, ओ लंबा डाल के घुंघटा, देखो मोहिनी रूप बनाए। रूप बना है इतना सुंदर, भस्मा के मन भाए। जय भगवान भोलेनाथ ने इतना सुंदर रूप बनाया कि भस्मा के मन को भाए। क्या होता है। ओ बनाए
भस्मासुर को रिझाते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखिए क्या होता है। आ, 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 किस प्रकार से भगवान विष्णु मोहिनी रूप बनाकर भस्मासुर को आकर्षित करते हैं। कहते हैं कि चूड़ी बजा रही है, मोहिनी रूप धरते हुए स्त्री बनी है। क्या होता है कि चूड़ी बजा रही है, कंगना बजा रही है। मोहिनी की चूड़ी बजा रही है, कंगना बजा रही है। हंस हंस के देखती है, अरे चूड़ी बजा रही है, कंगना बजा रही है। चूड़ी बजा रही है, कंगना बजा रही है। चूड़ी बजा रही है, कंगना बजा रही है। चूड़ी बजाती है, कंगना बजाती कहती है। अरे चूड़ी बजा रही है, कंगना बजा रही है। चूड़ी बजा रही है, कंगना बजा रही है। चूड़ी बजा रही है, कंगना बजा रही है। अरे हंस हंस के देखती है, चूड़ी बजा रही है, कंगना बजा रही है। चूड़ी बजा रही है, कंगना बजा रही है। चूड़ी बजा रही है, कंगना बजा रही है। और क्या होता है, दुमका लगा रही है, पायल बजा रही है। भस्मासुर को अपनी ओंकार आकर्षित करती है, उसको नृत्य कराती है। क्योंकि क्योंकि वो जिसके सिर पर हाथ रखता था वो भस्म हो जाता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोहिनी उसको नृत्य करा रही है। क्या होता है, उनको जा रही है।
और देखिए मोहिनी भस्मा को नचाने के लिए बार बार प्रयास करती है और देखिए क्या होता है। मोहिनी कहती है भस्मासुर से कि ऐसे क्या सोचते हो नच के जरा दिखलाओ ना, आज तुम नचोगे तो मैं तुम्हारी बन जाऊंगी। ऐसी मधुर मधुर वाणी से भस्मासुर को अपनी ओर आकर्षित करती है, कहती है कि किस्मत तुम्हारी चमक जाएगी, मोहिनी तुम्हारी हो जाएगी। अरे ऐसे क्या सोचते हो, नचते नचते अपने सिर पे हाथ रखा और खुद भस्मा भस्म हो गया। अरे रखते ही हाथ भस्म हो गया, अरे किस्मत तुम्हारी